अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ चना मसाला की बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये जो चना मसाला है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकेंगे और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। तो ये मैंने एक कप चना लिया था जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख लिया है। तो सबसे पहले हम इसे बॉईल करके इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये प्रेशर कुकर मैंने लिया है, इसमें हम ये सारे चने डाल देंगे और फिर हम इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें ये नमक ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच मैंने नमक लिया है और 2 चुटकी हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो कुछ लोग इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। तो ये बेकिंग सोडा इसमें ऐड करने के बाद हम इसकी लीड बंद करेंगे और इसे 3 सीटी आने तक पकाएंगे। 3 सीटी आने तक मैंने इसे पका लिया है। जब इसका सारा प्रेशर निकल जाएगा तो हम इसको खोलकर चेक कर लेंगे। देखिए चने हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। अगर आपको लग रहा है कि ये चने जो हैं वो नहीं गले हैं तो आप इसकी 1 और सीटी लेकर इसे सॉफ्ट कर लें। तो ये जो चने हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं तो हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 1 इंच का अदरक का पीस और ये 10 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, इसे भी मैं जार में ऐड कर रही हूँ। और ये 6 मीडियम साइज की हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्च का यूज़ किया है। अगर आप लाल मिर्च यूज़ करना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च को थोड़ा कम कर लें। अगर आप तीखा कम या ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये एक बड़ा साइज़ का टमाटर ले रही हूँ जिसको मैंने रफली काट लिया है, तो इसे भी मैं जार में ऐड कर रही हूँ। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने 4 बड़े खाने के चम्मच ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ये कुछ साबित मसाले ऐड करूँगी जिसमें मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 लौंग और 4 मैंने काली मिर्च ली है। तो ये सारे साबित मसाले हम इस ऑयल में डाल देंगे। तो जैसे ही ये मसाले हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हम बस मसाले के हिसाब से ऐड करेंगे क्योंकि चनों में तो हमने नमक ऐड किया हुआ है इसे बॉईल करते टाइम। तो मैंने इसमें ये 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने इसमें ये हल्दी पाउडर ऐड किया है और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और ये 1 टीस्पून मैं इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक तेल मसाले से अलग नहीं हो जाता तब तक हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। देखिए अब हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है और इसमें तेल जो है वो भी सरफेस पर नज़र आने लगा है। अब हम इसमें ये चने ऐड करेंगे। चने का मैंने सारा पानी निकाल दिया है क्योंकि हमारे पास चने जो है वो थोड़े ड्राई पसंद किए जाते हैं। अगर आप इसकी हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो जो पानी में हमने चने बॉईल किए थे वो पानी आप इसमें ऐड कर दें और इसकी हल्की सी ग्रेवी कर लें। तो चने को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी लीड बंद करेंगे और इसे बस 2 मिनट के लिए दम पर पकाएंगे। और 2 मिनट बाद चना मसाला हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चना मसाला की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबा कर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।